नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आज आपका मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आप सभी का। मैंने टाटा पंच मेरी परचेस करी थी 29th of October को, और संयोग से दीपावली के ठीक एक दो दिन पहले मेरे को मिल भी गई। तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। इट्स बीन अराउंड 2 months, आज 24 दिसंबर है आपका। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं तो आप समझ के चलिए कि मैंने इसको इको मोड में तो किया ही नहीं, क्योंकि रिसेंटली मैं गया था मेरे होम टाउन वाराणसी, जस्ट कार लेने के ठीक दिवाली का अवसर भी था, तो ऑलमोस्ट कोई 1700-1800 किलोमीटर मैंने चलाया गाड़ी। तो उस बीच में मुझे एक चीज तो समझ में आई कि जब गाड़ी को आप काफी ज्यादा स्पीड में चलाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड अबव 100, तो उस कंडीशन में इको मोड में नहीं रखना है गाड़ी को आपको। इको मोड का मतलब कि वो इंजन को पेट्रोल की सप्लाई थोड़ी कम करता है, पावर की थोड़ी कमी मेरे को रियलाइज हुई। एंड चूंकि ये जो कमी है ये रियल है, ये आप भी कभी अगर आपके पास में पंच है या आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं तो आप इको मोड में कभी ड्राइव करके देखिएगा, तो यू विल रियलाइज कि हाँ पंच में जो है वो इको मोड में दो मोड दिए हैं, सीटी मोड और इको मोड, तो इको मोड में थोड़ा सा पावर की कमी आपको रियलाइज होती है। दूसरी चीज की सिटी मोड में डालने के बाद आप गाड़ी को फुल पेट्रोल मिलता है, कोई जरूरत नहीं इकोनॉमी मोड की, और हाईवे पे तो वैसे भी पावर की जरूरत रहती है, ठीक है। तो इको मोड आई डोंट नो, उसका कोई मेरे को यूज स्पेसिफिकली समझ में नहीं आया कि क्या क्या रीजन से इको मोड दिया हुआ है, क्योंकि गाड़ी का जो पावर है वो वही मेन चीज है, चाहे आप ट्रैफिक में हो, आपको सिटी में हो, आप बहुत नॉमिनल सा शायद डिफरेंस मेरे को रियलाइज हुआ एक आध किलोमीटर के आसपास तक का। और सिटी मोड में क्या होता है कि गाड़ी एकदम बिंदास भागती रहती है, आपको जरा भी पावर की कमी नहीं महसूस होती। और हाईवे की अगर मैं बात करूं, टॉप स्पीड की बात करूं, तो वो सिटी मोड में 145 तक गाड़ी गई, नो डाउट 145 में कोई इसको जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और फुल कंट्रोल्ड कंडीशन में थी स्टेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और गाड़ी का जैसा लोग बोलते हैं कि चूंकि इसको एसयूवी के सेगमेंट में रख दिया और थोड़ी सी बॉडी इसकी हैवी बना दी, तो उस हिसाब से जो होना चाहिए कि मतलब कंट्रोलिंग नहीं है वो ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी फील नहीं हुआ। दूसरी चीज की जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली हाईवे पे ही एक एक्सीडेंट हो गए थे, तो उसकी वजह से काफी सारे ट्रक खड़े हो गए और बिल्कुल जगह नहीं थी, तो लोग वापस या तो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के जा सकते थे। तो हमने उस कंडीशन में क्या किया कि राइट साइड चले गए, और कुछ दूर आगे जाने के बाद में फिर वही कंडीशन दिखाई दी कि बहुत सारे ट्रक खड़े थे, तो वहां पे जो बीच का डिवाइडर होता है उसको क्रॉस करके एक नेक्सॉन गई, तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर वो जा सकती है तो ये क्यों नहीं। ऑलमोस्ट कोई उसका 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और इसका भी लगभग 185 के आसपास है, तो मैंने कहा कि लेट्स ट्राई। और जैसे ही मैंने ट्राई किया, जरा भी हिचकिचाहट गाड़ी में नहीं हुई, गाड़ी इमीडिएट बेसिस पे लेफ्ट में चली गई। तो इस तरीके से हम लोग अनवांटेड बहुत सारे इश्यूज से बचे। ये तो मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसा नहीं कि मैंने पंच परचेज की इस वजह से टाटा की मैं बड़ाई बता रहा हूं आपको, बल्कि यही रियलिटी है कि जब भी आप पंच एटलीस्ट कम से कम खरीदने के बाद में ये समझ में आता कि इस सेगमेंट में भाई और क्या चाहिए, इस प्राइस रेंज में आपको और क्या चाहिए। तो ओवरऑल अभी तक तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो एवरेज है वो MID में 17.3 से कम तो नहीं दिखा रहा है, और मैंने कट टू कट भी टेस्ट करके देखा, क्योंकि मेरी लॉन्ग जर्नी थी तो उस बीच में मैंने चेक करके देखा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ ये रियलिटी है कि MID से मुश्किल से आप समझ के चलिए ना कि आधा एक किलोमीटर का डिफरेंस मेरे को कैलकुलेशन में आया, तो ऑलमोस्ट गाड़ी में तो कोई कमी नहीं है। सिटी मोड में मैं चला रहा हूँ, अहमदाबाद सिटी में बराबर ऑफिस से आना जाना लगा ही 50 किलोमीटर के आसपास लगभग डेली हो ही जाता है हमारा, तो उस कंडीशन में भी मैं अभी 2 महीने में 17 से नीचे एवरेज मेरे को नहीं मिला है। 17.6 तक का एवरेज गया था अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी हो तो। तो ओवरऑल एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है गाड़ी, और चलाने में मजा आता है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है। और ये जो मैंने आपको बताया इको मोड में अगर आप कभी ट्राई करेंगे, मैक्सिमम स्पीड तो गाड़ी आपकी 125 से ऊपर नहीं जाएगी, जबकि मेरी गाड़ी फुल लोडेड थी उस टाइम पे, मैं था, मेरे साथ एक भाई और थे, थोड़ा सामान हमने रखा हुआ था,
ऑलमोस्ट लगेज थे थोड़े, और उसमें आप समझ सकते हैं कि थोड़ा अनाज था, ऑलमोस्ट कोई 30-40 kg के आसपास। तो अगर हम कंसिडर करें तो 2% के आसपास तो वेटेज गाड़ी में और था, और मतलब टोटल 4 जन बैठे हुए थे। और उस कंडीशन में इको मोड में गाड़ी 125 के ऊपर नहीं गई, और सिटी मोड में डालने के बाद 145 तक जाती है वो। तो 140 तक तो जाएगी फुल एक्सीलेटर पे, फिर आपको कुछ देर तक वेट करना होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली लगभग और स्पीड थोड़ी इंक्रीज करेगी 1 मिनट के अंदर ही। तो अच्छा है एक्सपीरियंस अभी तक, मैं आपको शेयर करता रहूंगा कैसा है। और अगर आप पंच लेने का प्लान बना ही रहे हैं तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत, दिस इज डेफिनेटली अ गुड डील, है ना, यू कैन कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट ये है कि बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा, है ना। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।